नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई एयरपोर्ट पे पकड़ने वाले शख्स के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई से बंदा पकड़ा जा रहा है, एयरपोर्ट से कुवैत से आते समय बंदा पकड़ा जा रहा है, तो इंडिया से जाते हुए महिला पकड़ी जा रही है। जी हाँ, ये लोग क्यों पकड़े जाते हैं, क्या रीज़न है, जबकि इनको पता होता है कि नहीं होता है, हम डिटेल से बात करेंगे। स्मगलिंग का मेट्रो होता है भाई, ज़्यादातर लोगों का ये मेट्रो होता है। बता दूँ, 66 लाख रुपये का गोल्ड पकड़ा गया है। जी हाँ, एक महिला से 25 लाख रुपये पकड़े गए हैं जो इंडिया से जा रही थी दुबई। जी हाँ, अब ये महिला इंडिया से दुबई जा रही थी, इतना पैसा लेके क्यों जा रही थी, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पे बता दूं, 1588 ग्राम यानी लगभग 1600 ग्राम मान सकते हैं, 1.5 किलो से ऊपर गोल्ड पकड़ा गया भाई। दुबई से बंदा आ रहा था उसके पास गोल्ड था, कुवैत से बंदा आ रहा था उसके पास गोल्ड था। जी हाँ, सोने की कीमत बताई मार्केट के हिसाब से 66 लाख रुपए। जी, कुवैत से जो बंदा आ रहा था वो बता दूं, शीशे के ढांचे में यानी शीशे को आकार देके एक तरीके से इस तरह से वो गोल्ड लेके कुवैत से चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंचा था। लेकिन भाई देखिए, जांच होती है, आपको पता है वो जो बैठे होते हैं ना वहाँ पे, उनको सबको पता लग ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो बंदे को पकड़ा, उसको जाँच की तो देखा कि उसके शीशे के ढांचे में गोल्ड निकला। आगे अगर बात करें तो साथियों, दुबई से एक बंदा आ रहा था जो चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरा। जी हाँ, उसके पास एक लोहे का हथौड़ा था। अब लोहे का हथौड़ा दुबई बंदा लेके आता है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाता है। जी हाँ, उस स्कैनिंग में आया, हथौड़ा निकला तो उसकी जांच की गई, जांच में ऐसा कुछ था नहीं, फिर उसके हथौड़े को तोड़ा गया। जी हाँ, गोल्ड का हथौड़ा था भाई, गोल्ड के अंदर बता दूँ 341 ग्राम गोल्ड लेके आया था वो, 14 लाख के करीब का गोल्ड था। अब हथौड़े के लोहे का हथौड़ा और उसके अंदर गोल्ड, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से डिजाइन किया होगा, कहाँ से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनवाया होगा भाई। बन जाता है, जिनको गोल्ड लेके आना होता है ना, हथौड़ा बनवाया जाता है, उसको इस तरह से आकार दिया जाता है, गोल्ड डाल के फिर उसको वापस इस तरह से बताओ। फिर भी भाई, स्कैनिंग मशीन इतनी खतरनाक है, जब लोहे के हथौड़े के अंदर से गोल्ड निकाल लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो भाई, गोल्ड लेने वाले थोड़ा सा सावधानी बरत ले, बच नहीं पाओगे, एयरपोर्ट पे पकड़े ही जाना है। जी हाँ, लखनऊ से एक महिला बता दूं जा रही थी दुबई, उसको जांच की गई तो देखा उसके कपास लगभग 25 लाख रुपए की इंडियन करेंसी निकली है। जी हाँ, अब इंडियन करेंसी का मतलब ये होता है कि दराम निकले उसके पास 500 रियाल, 500 जो दराम होते हैं उसके 600 दराम के हिसाब से इस तरह से बताया गया है कि लगभग इंडियन करेंसी को जोड़ा जाए तो लगभग 25 लाख रुपए की करेंसी निकली है। अब महिला को पकड़ लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है कि भाई ये महिला इतना पैसा कहां से लाई, क्यों ले जा रही, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। 1962 के तहत में एयरपोर्ट का जो कानून बना हुआ उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहने का मतलब है कि भाई आप बाहर से आ रहे हैं दुबई, कतर, ज़्यादातर दुबई वाला सिस्टम होता है भाई, आप थोड़ा सा गोल्ड के चक्कर में लालच में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर अखबार में नाम आना, पेशी आना, केस पे चला जाना, इंक्वायरी इंट्रोगेट होना, मतलब एक फंडे की बात है, गलत बात है ये। तो आपको पता भी है, आप ये मान के चलिए कि जो गोल्ड लेके आता है उसको 100% ये तो माइंड में है ही यार कि एयरपोर्ट पे तो जांच होती है, और जांच होती है तो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी रिस्क लेके आते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अब तो भाई इंडिया में भी इतना वो नहीं है भाव, आपको पता है कि टैक्स 12.5% था, उसको कम कर दिया GST करके 10% कर दिया, इसका मतलब इंडिया में सस्ता सोना सस्ता हो गया, यानी बाहर से तस्करी कम होगी, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।